हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देती है, मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। धन्य है वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमल चरणों की धूल की सुगंध लाया है। तुम आ रहे हो, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले हैं। तुम मेरे कल्याण के लिए मेरे समीप आ रहे हो। हे राम, हे राम। रथ रोको सारथी। आज हम यहीं विश्राम करेंगे। गुरुदेव, इस उजड़े आश्रम में क्या यह स्थान विश्राम के लिए उचित रहेगा? यह सबसे उत्तम स्थान है शीश। हम यहां नहीं आए, यह उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहां खींच लाया है। हे राम, 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 हे राम। ये मुझे कौन पुकार रहा है गुरुदेव? तुम्हें ये पुकार रही है शिष्य। और ना जाने कब से पुकार। तो ये तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुदेव। हाँ है। इस प्रतिमा को अपने चरण से स्पर्श कर दो शिष्य। जी? इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छू। गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना ना तो शिष्य को शोभा देता है और ना ही उसका अधिकार है। किंतु हे गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है। उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। नारी के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गदगद हो गया शिष्य। मुझे ऐसे शिष्य पर गर्व है। मैं स्वयं किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता। परंतु ये एक विचित्र विडंबना है कि इस नारी का कल्याण इसी में निहित है। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर नहीं, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी? ये दुखियारी अबला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। निरपराध होकर भी न जाने कब से पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। बहुत दुखद है इसकी कथा। देखा, देखा आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहिल्या। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें कल अपने क्षेत्र से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये क्या,
भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई। मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूँ। स्वामी बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुखचंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। स्वामी ये आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। अरे ये क्या, चंद्रदेव? परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है। मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। कौन है? दुष्ट, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा। जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। इसके कल्याण के लिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा शिष्य। जो आज्ञा। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त भई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। ऋषि पत्नी
पाहन तन प्यादा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो इस पर उपकार किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं देवी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ था। मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब तक महर्षि गौतम को भी अपनी भूल का आभास हो चुका होगा, किंतु वो भी विवश थे देवी, क्योंकि नभ से टूटा हुआ तारा, धनुष से निकला हुआ बाण एवं मुख से निकला हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता, केवल उसका दंड भोगा जा सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलना भी तो दंड ही है देवी। महर्षि अब तक उस अग्नि में जल चुके होंगे। गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुनि गौतम आए वहां, सुखद मिला परिणाम, शाप मुक्त पत्नी मिले और मिले श्री राम। कहने को तो हो गया ये विधि का संयोग, तप के बल का था मगर ये अनुचित उपयोग, ये अनुचित उपयोग। महर्षि, देखिए, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदा विजयी भव। आपने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा में था। और मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं महर्षि, जब आप उनसे क्षमा याचना करेंगे जो निरपराध होकर भी आपके कठोर शाप का दंड भोग रही थीं। इस देवी के साथ दो बलों का दुरुपयोग हुआ है, देव बल एवं तपोबल। साक्षात इंद्र ने देव बल का दुरुपयोग किया और आपने महर्षि तपोबल का। देवी, मेरे शाप ने आपको पत्थर बना दिया, परंतु विश्वास कीजिए, इस शाप ने केवल आपको नहीं स्वयं मुझे भी दंडित कर दिया था। आज मैं श्री राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के माध्यम से समस्त संसार को संबोधित करके आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं स्वामी, नहीं, भावी को टाला नहीं जा सकता था, भाग्य लेख को मिटाया नहीं जा सकता था, जो हुआ वो होना ही था। भाग्य का लेख मानकर मैं अपने दोष से बच नहीं सकता। मेरा पुरुष होने का अभिमान मेरे समक्ष आ गया। अभिमान विवेक का शत्रु होता है, मुझे इसी शत्रु ने नीचा दिखाया।
ऋषिवर, संध्या वंदन कर ले, फिर हम भोजन करेंगे। आप सबको कुछ दिन हमारे आश्रम में ही रहना होगा, यही मेरी विनती है। हम जनकपुर जा रहे हैं महर्षि, और हमें वहां शीघ्र पहुंचना है। ऋषिवर, वहां तो हमारा पुत्र शतानंद कुलगुरु है, उसी ने राजकुमारी सीता को शिक्षा भी दी है। वहां जाए तो हमारे पुत्र से अवश्य मिले और उसे मेरे शाप के अंत का समाचार अवश्य दे। अवश्य देवी, यशस्वी भाव।